अब कल से मैं पहनूंगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी अभी मैं सोकर उठा हूँ, 8:30 बज रहे हैं। इतना भी ख़राब नहीं है, थोड़ा थोड़ा फीवर जैसा लग रहा है, बट आई एम नॉट सो ओके। शकल पर 12 बजे है पर नहाना जरूरी है। क्या करूँ, नहाना सुबह सुबह उठ कर नहाना चाहिए, आदत है। हाँ नहा लो, सो चल जाओ ठंडी में। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता मैं आगे कंटिन्यू ब्लॉग करूँगी, इतनी तो यही करेंगे क्योंकि मेरी तबीयत जो है थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, फीवर जैसा लग रहा है। गला तो मेरा कल से ही ख़राब था, अभी हल्का हल्का यू नो कफ कफ कह रही कॉफ खांसी और हल्का सा यू नो फीवर टाइप है। सो अभी तो मांग भर दी मम्मी जी ने, मिठाई खा रही हूँ मैं, पानी पीऊँगी फिर हॉर्लिक्स पीऊँगी बिस्किट के साथ, तो देखते हैं कैसा लगता है। सो आगे का ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर। यही करती हैं हम लोग। ये लो मिठाई खा लो, अभी मैं ब्रश भी नहीं किया हूँ, मिठाई खा लो। गंदी मतलब क्या, बेड पे ब्रश लेकर उठो? उठे को तो इतनी देर हो गई है, हाँ मेरे अभी साथ तो उठे थे उठा, फिर भी 15-10 15-20 मिनट तो हो गए। बेड पे ही था, अभी तो बेड से उतरा ही नहीं हूँ। चलो मैं भी, कुछ चलो खाने का फ्रेश मन नहीं फ्रेश कर होने, रहा यार, करो आप नाश्ता पानी अपना। कुछ खाने, मेरे मुंह पे ही घुसा दो कैमरा इतनी पास, हो गया बंद। आपका चल ही नहीं रहा फेस, मेरा चल रहा है। सुन तो रहा है। तो मेरा फेस था ना उस टाइम। सो गाइस, पता नहीं मैं कैसी सी लग रही हूँ पर मेरी तबीयत थोड़ी गड़बड़ है, मैं कितनी बारी की बात बताऊंगी। अभी मैं जा रही हूँ यू नो बिस्किट खाने, ये रहे थोड़े से बिस्किट्स विद सम हॉर्लिक्स। एक्चुअली मैं थोड़ी वीक हूँ तो मुझे घर वाले हॉर्लिक्स पिलाते हैं, तो बिस्किट और हॉर्लिक्स खाऊंगी पीऊँगी, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, देखती हूँ मैं कैसा फील करती हूँ, जैसे भी होगा आपको ज़रूर बताएंगे। सो चलिए मिलते हैं आपको थोड़ी देर से ब्लॉगिंग में आते हुए। अच्छा आप भी ब्लॉग करने लगे? हमारा ही करते हैं, हमारी तबीयत थोड़ी सी तो गड़बड़ है ना। कल के वीडियो के बाद, चैनल के जबरदस्त परफॉर्मेंस के बाद एक दूसरा कैमियो अपीयरेंस और फोकस एकदम नए 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 ब्लॉगर कैमरामैन कैमरामैन अरे वही ब्लॉगर वही होता है ब्लॉगर नहीं नहीं कैमरामैन, हम कैमरामैन है भाई, ब्लॉगर तो यहाँ बैठे हैं और वहां बैठा हुआ है वो सानू। अपने आप को भी फ्रेम में लीजिए, बोला गया एक वो वाइब आ रहा है, शादी में भोज खा रहे हैं, कैमरा मैन आके कैमरा घुसा देता है जबरदस्ती हो गया और क्या। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने और ये है प्याज के पराठे और साथ में सब्जी वगैरह है, बटर है और ये रहे माय डियर हस्बैंड। तो हम लोग नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद आपसे बात करेंगे। पता नहीं मेरी आवाज़ स्लो ना आ रही हो, वॉइस ओवर कर देना। हे गाइस, सो अभी बज चुके हैं ऑलमोस्ट 11 बजने वाले हैं। एक्चुअली हमने ब्रेकफास्ट कर लिया और मेरी तबीयत थोड़ी ठीक लग रही है। मैं थोड़ी देर धूप में बैठ गई थी, खाना वाना खाया, धूप भी है तो यू नो थोड़ा बॉडी में ताकत फील हो रहा है, सो आई एम फीलिंग लिटिल बिट बेटर। अभी धूप में बैठी थी तो ऐसे ही घर वालों से थोड़ा बहुत हाय हेलो, और आज मैंने कुछ मेकअप वेकअप नहीं किया। ऐसा नहीं है यार कि मैं मेकअप करती हूँ तो ये यू नो मेकअप तो जो है सो है ही है, पर ऐसे भी ठीक, लाइट ही चली गई। अपने मम्मी से बातें करते हुए, और मेरे फ़ोन का रिचार्ज भी कट गया, फोन मेरे फ़ोन का रिचार्ज ख़त्म होने वाला है, कल परसों तक ख़त्म हो जाएगा। 4 तारीख को खत्म होगा पता है मुझे, रिचार्ज भी खत्म ही है। कोई नहीं करा लेना। किसकी? मम्मी, मेरी मम्मी के फोन। अच्छा आपके मम्मी का। मैं इसमें ठीक दिख रही हूँ? अंधेरा नहीं, नहीं पूरा अंधेरा आ रहा है, तो लाइट ऑन कर लो ना, फोकस भी नहीं हो पा रहा। लाइट ऑन करो और इसमें लगा के कर लो। मैं एक बहुत ही अच्छी बात बताने वाली हूँ जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, और वो खुशी की बात एक्चुअली ना, मैं तो अब कल से मैं सूट पहनने वाली हूँ फाइनली यार, फाइनली ओ गॉड। पर मैं इतना खुश क्यों हो रही हूँ, मतलब मेरे घर पे अगर मुझे सूट पहनने को बोलते थे ना तो चिढ़ जाती थी, क्योंकि मैंने लाइफ लॉन्ग जीन्स टी शर्ट टॉप ये सब पहना है, तो पर अभी कैसे, तो अब कल से मैं पहनूंगी सूट सलवार, अलग अलग टाइप के सूट, तो मैं बहुत खुश हूँ।
और ये खुशी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो गाइस अभी मैं बेडशीट वगैरह चेंज कर रही हूँ, थोड़ा सा काम है यू नो, तो काम वाम कर रही हूँ, मेरी सांसें चढ़ गई। पता नहीं मैं कि थोड़ा सा भी काम करती हूँ ना मेरी सांसें चढ़ जाती है, इतनी तो मैं एज्ड भी नहीं हूँ बट स्टिल। तो चलिए कुछ काम वाम कर लिया जाए। सो फाइनली मेरा बेड जो है अच्छे से हो गया है, साफ सुथरा। कितना अच्छा लग रहा है, मेरा ना दिल नहीं कर रहा कि मैं इस पर सोऊं, बस दिल कर रहा है ऐसे ही देखती रहूं, नीचे ही सो जाऊं, ऐसे ही साफ ही रहने दूं, पर है तो सोने के लिए ही ना। सो मैं जा रही हूँ, सोऊंगी थोड़ी देर, बैठूंगी वो ऑब्वियसली। और अभी मैंने वो गोरिल्ला पॉट, मैं पॉट ही बोलती हूँ, वैसे तो ट्राईपॉट होता है, गोरिल्ला ट्राईपॉट, और इससे ना एक अलग ही यू नो कैमरे का एंगल बड़ा सुंदर आ रहा है, मैंने यही यूज़ करूँगी। ऐसा होता है ना हमेशा यू नो घर में कहीं भी आप इतने कंफर्टेबल नहीं होते हो, सो इसलिए। और तो कैसी लग रही हूँ, देसी सी, आई एम देसी, दिल से तो मैं देसी ही हूँ, पता नहीं क्यों कुछ मिसिंग मिसिंग लग रहा है, हाँ कुछ भी है। सो अभी दोपहर हो चुकी है, एक्चुअली 1:30 बज रहे हैं, थोड़ी देर में हम लोग खाना खाएंगे। अभी मैं जस्ट ऐसे रूम साफ कर रही थी तो सोचा आप लोगों से थोड़ी बातें ही कर लूँ, और बस अच्छा चल रहा है अभी तक तो सब ऑल गुड। आगे देखते हैं यू नो, आगे मुझे और पढ़ाई करनी है, सो आई एम नॉट वेरी श्योर कि यू नो यहाँ से पढ़ाई करूँगी या कहीं बाहर जाना पड़ेगा। तो जैसे भी होगा आपको अपडेट मिलता रहेगा। और पीछे मेरे लिप बाम, बॉडी मिस्ट, फोन वोन ये सब पड़ा है, दवाइयाँ एंड ऑल। सो चलिए आपको मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में, तो फिर मिलते हैं आपसे। आप बनाए कमरा, ज़्यादा हीरो मत बनो। साफ सफाई का क्या मतलब, मैं हमेशा गंदे मचा के रखती हूँ? अरेंज नहीं करता, अरेंज हो रहा है। हाँ तो हमेशा इसी पे सो रहे होते तो अरेंज कहाँ से होगा, है कि नहीं? अच्छा लग रहा है। आपने किया? नहीं, पड़ोसियों ने आके किया, मैंने किया, ऑब्वियसली मैंने किया। कमरा नहीं अरेंज है, सिर्फ बेड अरेंज है, कमरा भी अरेंज हो जाएगा बहुत जल्दी है ना। सबसे पहले तो ये वॉल वो करवानी करनी है, हाँ इसको पेंट कर देना, देन उसके बाद ये पीछे वाले स्लैब साफ करके, और ये हाँ इसकी पूरी सफाई हो जाएगी। थोड़ा बहुत जो भी यू नो कुछ डेकोरेटेड पीस या कुछ भी ऐसे रखना होगा, सिनरी यहाँ रख देंगे, सिनरी यहाँ पे यार शादी की फोटो लगा लीजिए मुझे हमारी। हाँ वो भी ठीक है। चलो अभी देखते हैं, अभी तो टाइम है इन सब कामों में, अभी तो हम ही कुछ थोड़ा सेटल हो जाए, तबीयत पानी ठीक रहे, काम धंधा जम जाए, नहीं काम धंधा सेट हो जाए है ना, फाइनेंशियली थोड़ा धंधा स्टेबल हो जाए। मेरा तो तबीयत ही थोड़ा गड़बड़ रहता है मौसम के चलते। आप लोग यार कमेंट किया करो कुछ, मतलब यू नो अच्छा लगता है। सो अब थोड़ी देर में हम लोग खाना खाएंगे, तुम्हें भूख लगी है? अभी नहीं, थोड़ा टाइम। हाँ मैं भी थोड़ी देर में खाऊंगी। सो ये तुम बोलते बहुत कम हो, कोई कहेगा बीवी बोलने ही नहीं देती है। नहीं बचपन से आदत है कम ही बोलने। अच्छा मुझे तो नहीं लगता, बोलते तो चलते नहीं। मेरी बात सुनो पहले, पहले मैं बोलूँगा, पहले मैं बोलूँगा, अभी नहीं बोल रहे हो बात अलग। थोड़ा टाइम बाद ऐसा हो जाएगा ना, यही बोलते रहेंगे, मुझे बीच बीच में जबरदस्ती घुसना पड़ेगा कॉन्वर्सेशन। नहीं नहीं मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ऐसे करना पड़ेगा। चलो ठीक है फिर मिलते हैं, बाय। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं खाना खाने, और खाने में बना है माय फेवरेट फ्राइड राइस और मंचूरियन। एक्चुअली मुझे चाइनीज़ बहुत पसंद है, इनका तो पता नहीं बट मुझे काफ़ी पसंद है। तो अभी अभी मैं जा रही हूँ खाना खाने, हम लोग खाना खाएंगे और फिर आपको मिलते हैं खाना खाने के बाद। सो बाय। सो खाना पीना खा लिया है हम लोगों ने, खाना पीना खा लिया है, और ये पीछे गमछा तौलिया टंगा हुआ है, और अब थोड़ी देर मैं तो आराम करूँगी, इनको शायद कहीं जाना है, तो हो सकता है मेरे बाल देखो उधर कोई चक्कर नहीं, तो इनको कहीं जाना है तो हो सकता है ये यू नो चले जाए, बट मैं अभी घर पर। सो यहाँ बन रही है हमारी चाय। सो
आज मैं आपको एक प्रो टिप देने वाली हूँ लाइट के रिगार्डिंग, जो मुझे लगता है पर्सनली सबको आना ही चाहिए अगर आपको ज़िंदगी में थोड़ा पीसफुली जीना है तो। और वो टिप है इग्नोर करना। क्या इग्नोर करना? मतलब नज़रअंदाज करना। तो वो लोग भी हो सकते हैं, लोगों की बातें भी हो सकती हैं, चीज़ें भी हो सकती है, कोई ऐसी मटेरियल भी हो सकता है, फूड आइटम भी हो सकता है, कपड़े भी हो सकते हैं, पैसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको अपनी ज़िंदगी में इग्नोर करना आना चाहिए, स्पेशली फालतू लोगों की फालतू बातें। मतलब मेरे लाइफ में तो इतने, मैं तो बोल भी नहीं सकती, बट सबको मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप लाइफ में चीज़ों को इग्नोर करना सीखें। हर बात पे ध्यान देने की या हर बात को वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है इग्नोर करने में। और हद से ज़्यादा बर्दाश्त करने में, बढ़ावा देने में डिफरेंस है। सो कीप दिस इन माइंड। तो चीज़ों को इग्नोर करें, लोगों की फालतू बातों को इग्नोर करें, खुद खुश रहें, उन लोगों को ज़्यादा वैल्यू दें जो आपको प्यार करते हैं, आपको एक्चुअल में इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो उनको वो करें। और बस यही है, मैंने अपनी लाइफ में सीखा है यार काफ़ी सालों में कि हाँ बहुत सी चीज़ें इग्नोर करनी पड़ती है। भूलना नहीं है, मतलब जो चीज़ भूलने वाली उसे भूलो, पर ऐसा नहीं कि हाँ कोई बहुत बड़ी बात होगी और आप इग्नोर मारें। नहीं, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़ा होना सीखिए, वो भी ज़रूरी है। उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, बट इग्नोर करना आप सभी को आना चाहिए। मुझे तो आता है, मैं इग्नोर करती हूँ, पर जब पानी सिर के ऊपर जाता है ना फिर नहीं इग्नोर करती। सो आज का विचार या कह लीजिए मेरा थॉट यही है। सो चलिए आपसे मिलते हैं बाद में। सो गाइस, अभी शाम के 6 बज रहे हैं और मैं चाय वगैरह पी के थोड़े से बर्तन थे वो धो लिए, तो बैठी हूँ जस्ट ऐसे। नाइट सूट पहन लिया मैंने, चेंज कर लिया क्योंकि मेरे कपड़े भीग गए थे। सो सबसे पहले तो एक और बात, मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए, दिल से थैंक यू सो मच। और ऐसे ही आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, अच्छा लगता है कि हाँ मतलब कोई सच में हमें पसंद करता है। तो मेरे लिए ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंस रखती है, किसी का कोई कमेंट या किसी का कोई अच्छा मैसेज या प्यार, ये मतलब मुझे वैल्यू है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस फील होता है। तो मेरे लिए ये चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट, काफ़ी ख़ास हैं। तो थैंक यू सो मच हर एक उस इंसान को जिसने चैनल को सब्सक्राइब किया या कमेंट किया, लाइक किया, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। तो बस आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और बेहतर करने की ख्वाहिश होती है, एक इंस्पिरेशन मिलती है। सो आपको मिलूँगी मैं अब थोड़ी देर में, तो आपको बस थैंक यू बोलना था। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सो गाइस, अभी बज चुके हैं रात के 10 और मैंने डिनर कर लिया और अभी मैं जा रही हूँ सोने। सो आज का ब्लॉग जो है यहीं एंड होता है। आई होप कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा और कल का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा, मतलब अच्छा तो रहेगा ही क्योंकि कल से मैं फाइनली सूट पहन सकती हूँ। मैं पता कितनी खुशी हूँ मैं बता भी नहीं सकती। लाइक साड़ी में मैं इतनी कंफर्टेबल नहीं हूँ और मेरे लिए कंफर्ट कम्स फर्स्ट। मेरा बस चले ना, मैं तो नाइट सूट में पूरी ज़िंदगी निकाल दूँ, पर इतना हो नहीं पाता है। तो चलिए कल से मैं आपको मिलूँगी नए ड्रेस कोड में। सो तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड कमेंट, और जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं उनको थैंक यू, दिल से थैंक यू सो मच। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, आगे बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं। सो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, बाय।